ट्रेन में धुआं देखकर मचा हड़कंप। जांच में पता चला ट्रेन में अंगीठी ताप रहे थे यात्री। यूपी के कानपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ठंड से बचने के नाम पर किसान यूनियन के नेताओं ने ट्रेन में सवार बाकी लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने की तैयारी कर ली थी। यही वजह थी कि कानपुर देहात में संगम एक्सप्रेस से धुएं का गुबार निकलने की खबर मिलते ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। स्टेशन में तैनात अफसरों के हाथ पांव फूल गए, हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि जांच में पता चला कि धुआं किसी आग का नहीं था, बल्कि ट्रेन में अंगीठी जलाकर तापने का धुआं था। संगम एक्सप्रेस मेरठ से प्रयागराज जा रही थी, धुएं का तेज गुबार दिखा तो यात्री अनहोनी की आशंका से डरकर दूसरे डब्बों की ओर भागे। घटना की चेकिंग की गई तो पता कि ठंड से बचाव के लिए किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंगीठी जलाई थी। रेलवे कंट्रोल रूम को खबर मिलते ही गाड़ी कानपुर देहात के झींझा के स्टेशन पर रोकी गई। वहां चेकिंग के दौरान पता चला कि किसान यूनियन के लोग अंगीठी जलाकर ताप रहे हैं। धुआं उसी अंगीठी से निकल रहा है, जिसके बाद यात्रियों को उतारा गया, अंगीठी को बुझाकर फेंका गया। फिर पूरी पड़ताल के बाद रेलगाड़ी को आगे रवाना किया गया। ट्रेन जैसे ही कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची तो स्टेशन डायरेक्टर, एसी, जीआरपी और आरपीएफ का पूरा अमला पहुंच गया। पूरी गाड़ी की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी अंगीठी नहीं मिली। कानपुर से प्रयागराज के लिए कड़े इंतजाम के बीच बढ़ी गाड़ी। हालांकि रेलवे पुलिस फोर्स को इनपुट मिला था कि अंगीठी को झींझक में फेंक दिया गया। दंडनीय अपराध होने के बावजूद इस मामले में किसी तरह की कानूनी कार्यवाही नहीं होने की खबर है। हालांकि ट्रेन में सवार यात्री और सोशल मीडिया पर लोग आरोपी किसान नेता और समर्थकों की इस करतूत पर नाराजगी जताते हुए रेलवे से एक्शन की मांग करते नजर आए। आरटीआई न्यूज 24 कानपुर। संगम एक्सप्रेस में सूचना आई थी कुछ लोग आग जला के हाथ ताप रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आरपीएफ और जीआरपी का सारा फोर्स इकट्ठा हुआ और गाड़ी जब संगम एक्सप्रेस आई, डिप्टी सीटीएम साहब भी थे अस्तु सर, सभी लोग पहुंचे वहां पर, तो आग जलाने जैसी बात कोई आई नहीं। वहां कोई था इस तरह का पाया नहीं गया, इस तरह आग नहीं जलाई जा रही थी। और डिप्टी सीटीएम साहब द्वारा भी बात की, किसान यूनियन के काफ़ी लोग थे, काफ़ी कम से कम 100-150 लोग थे डब्बे में, तो सभी आरपीएफ जीआरपी की मौजूदगी में डिप्टी सीटीएम साहब द्वारा बात की गई, उनको समझा बुझा के भेज दिया गया। इलाहाबाद तक जो है प्रयागराज तक एस्कॉर्ट भेजा है एहतियातन, किसी तरह की कोई घटना ना हो। कौन सा कोच था और कौन लोग सवार? उसमें किसान यूनियन के कुछ लोग थे, कोच नंबर तो मैं याद नहीं है, नोट किया है हमने, आप कह सकते हैं ऑफिस से, किसान यूनियन के ही सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो थे। नहीं, जैसे पता चला था संगम एक्सप्रेस जो डाउन में जाती है प्रयागराज की तरफ, उसमें कुछ यात्री कुछ आग जलाकर अलाव ताप रहे थे उसके अंदर। वो रिपोर्ट होने के बाद उसको ट्रेन को पहले वहाँ पे झींझक और पंचौती स्टेशन पे आरपीएफ के माध्यम से चेक कराया गया उसको, और वहाँ पे पाया गया कि उसमें कुछ किसान यूनियन जो है हमारी, उसके लोग उसमें जा रहे थे और उनके द्वारा वो कोच में बैठे भी थे अनऑथराइज्ड, और वो आग ताप रहे थे। बाद में उसको कानपुर में पूरी यहाँ पे फोर्स के साथ जीआरपी आरपीएफ की पूरी टीम यहाँ पे जाने के बाद उनसे वार्ता की गई और उनको ये बोला गया कि आप ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आगे उनको सावधान रहने के लिए बोला गया, और तो काउंसिल करने के पश्चात गाड़ी यहाँ से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। क्या सर इस पे उन पर जुर्माना या किसी प्रकार की कार्रवाई? नहीं, जो यात्री था वो ट्रेस नहीं हो पाया, उसको आगे सूचना दी गई है, कोशिश करेंगे उसको प्रयागराज में ट्रेस करके अगर वो रहता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी वहाँ पे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।